बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले बच्चों हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। कोई से दो मैट्रिसेस को ए और बी को, अगर हम ए और बी मैट्रिसेस लेते हैं, उनको हम उसी वक्त हम ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। इस एग्जांपल में आप देखिए कि एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर 2/3 है, और मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर जो है वो भी 2/3 है। तो ऑर्डर इन दोनों का सेम है, इस वजह से हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से पहले दो पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब हम ए और बी को मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हम उसको लिखेंगे कैसे, तो डिनोट ए प्लस बी से करेंगे। ये देखिए मैंने इसको लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम इनको ऐड किस तरह से करेंगे कि ये इनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं मैट्रिक्स ए और बी की, वो आपस में ऐड होंगी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी है, हमने इन दोनों को मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करना है। दिस इज़ ए प्लस बी, पहले आपने मैट्रिक्स ए लिखना है, प्लस यहाँ पे ये ऐड एडिशन का साइन है, यहाँ पे आपने एडिशन का साइन लगाना है। फिर बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आपने इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का ये क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर बच्चों रो नंबर वन में ये फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स बी में देखें रो नंबर 1 में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, -2। तो 2 ने -2 में ऐड होगा, ये 2 जो है -2 में ऐड होगा, 3 में ऐड होगा, और 0 4 में ऐड होगा। रो नंबर 2 में आप देखिए मैट्रिक्स ए और बी की, तो इसमें 1 ऐड होगा, 0 + 2, 0 में 2 ऐड करेंगे और 6 में 3 ऐड करेंगे। अब मैं आपको इस लिख के देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 2 + -2, 3 + 3, और 0 + 4, ब्रैकेट लगाएंगे। इसी तरह 1 + 1, 0 + 2, 6 + 3, जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में हम ऐड करेंगे। सो जब हम इनको ऐड करेंगे 2 में -2 तो हमारे पास आंसर आएगा 0, 3 में 3 करेंगे तो आएगा 6, 0 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 4, 1 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 2, 0 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 2, 6 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 9। तो ये ए प्लस बी का आंसर आपके पास आ गया। इस तरीके से आप जो है वो कोई से दो गिवन मैट्रिसेस को, ए और बी को आप ऐड करेंगे। बच्चों ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का है टॉपिक। अब अगला टॉपिक हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। जैसे बच्चों हमने एडिशनल मैट्रिसेस में डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि उनका ऑर्डर सेम हो तो वो ऐड होते हैं। इसी तरह अगर कोई से दो मैट्रिसेस जैसे ए और बी हैं, इनका ऑर्डर अगर सेम होगा तो ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकते। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ए और बी को, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए माइनस बी से। ये देखें इस तरह से ए माइनस बी। तो ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, पहले ए लिखेंगे, माइनस बी बी लिखेंगे, और सब्ट्रैक्शन के लिए क्योंकि बी बाद में है तो बी की एंट्रीज को माइनस करेंगे ए की एंट्रीज में से। ठीक है, तो इसी तरह से कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है, जैसे ये 2 है तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे, 3 में से हम करेंगे 2 माइनस, 4 में से हम 2 माइनस करेंगे। सेकंड रो में आ जाए, 1 में से माइनस करेंगे -1, 5 में से माइनस करेंगे 4, और 0 में से माइनस करेंगे 3। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। 2 में से क्या माइनस होगा, 0, 3 में से क्या माइनस होगा, 2, 3 - 2, 4 में से माइनस होगा 2, क्लोज, 1 में से माइनस करना है हमने
माइनस वन इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि माइनस वन है तो छोटी सी ब्रैकेट आ जाएगी। फाइव में से माइनस करेंगे फोर और जीरो में से माइनस करेंगे थ्री। सॉल्व करते हैं तो आंसर लेते हैं, टू में से जीरो निकाला तो टू, थ्री में से टू वन, फोर में से टू माइनस करने पे आएगा टू, वन माइनस माइनस वन तो ये बच्चों माइनस माइनस प्लस होगा तो वन प्लस वन क्या होगा टू, फाइव माइनस फोर इज वन, जीरो में से थ्री निकालें तो आता है माइनस थ्री। इस तरह से बच्चों हमने सब्ट्रैक्शन की है, मैट्रिक्स बी को ए में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आंसर आया है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की समझ आई होगी। अगर फिर भी आप समझते हैं, कोई डिफ़िकल्टी आप महसूस करें, कोई मुश्किल आपको के जहन में सवाल हो, तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक काम आपने ज़रूर करना है कि वीडियो अगर आप लाइक आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो आपने उनको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।